वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ की। हमारी एनसीईआरटी में जैसे कि हमें मालूम है 3 इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है, दैट इज़ योर फैबिएसी, सोलनेसी एंड लिलिएसी। और यहाँ से आपके फैमिलीज से क्वेश्चंस के आने के चांसेस एक क्वेश्चन आपका पक्का रहता है। और फैमिलीज़ जो है आपको लर्न करने में डिफ़िकल्ट रहती है, तो आज हम इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक शॉर्ट निमोनिक और ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले आप हमें फैमिलीज़ को पढ़ने से पहले हमें जो है कुछ चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। और वो हमारे पास चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले देखिए बी आर रिप्रेजेंट, ये सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके डायग्राम के लिए। तो हमें जब भी फ्लोरल डायग्राम लिखनी है, फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है उसका, तो हम लोगों को पहले सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंबल में सबसे पहले बी आर मीन्स ब्रैक्टेट, डैट मीन्स अगर आपका लीफ जो है वो रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है तब आप उसको ब्रैक्टेट बोलते हो, और अगर एब्सेंट है तब आप उसको ई ब्रैक्टेट बोलते हो, राइट। आपके पेडिसल से बेस के बेस पे देखोगे तो अगर जो आपका लीफ है तो वो अगर रिड्यूस फॉर्म में है तो ब्रैक्टेट बोलोगे, और नहीं है तो ई ब्रैक्टेट बोलोगे या फिर विदाउट ब्रैक्टेट बोलोगे। सो देन के रिप्रेजेंट्स योर कैलिक्स, और के एन जो है अगर वहाँ पे ब्रैकेट नहीं है डैट मीन्स फ्री फॉर्म है तो आप उसको पॉलीसैपलस कंडीशन बोलोगे, और अगर फ्यूज्ड है तब आप उसको गैमोसैपलस कंडीशन बोलोगे। सिमिलरली करोला, तो काली चरण से याद कर लो, काली चरण कैलिक्स और करोला चरण करोला, करोला से जो है सिमिलरली आपका पॉली पेटलस कंडीशन आ जाती है और गैमो पेटलस कंडीशन आ जाती है, क्लियर। तो पॉली मतलब यहाँ पर आपके पास जो है पॉली पेटलस मतलब जो आपकी फ्री फॉर्म है, और आपके पास गैमो पेटलस होगी जो आपकी फ्यूज्ड फॉर्म है, राइट। वैसे ही आपकी पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस, राइट। देन पेरियंथ की अगर आप बात करोगे तो पेरियंथ जो है आपके पास, पेरियंथ होता है जब आपके पास आपका जो पार्ट है यहाँ पर आपका कैलिक्स और करोला अगर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कोई पर्टिकुलरली डिस्टिंक्शन नहीं है आपके पास करोला और कैलिक्स में वर्ल्ड में, तब आप उसको पेरियंथ कंडीशन बोलते हो, राइट। देन ए रिप्रेजेंट योर एंड्रोशियम, डैट इज़ योर मेल पार्ट, एंड जी रिप्रेजेंट योर फीमेल पार्ट, डैट इज़ गायनोशियम। देन जी गायनोशियम जो है रिप्रेजेंटिंग करते हैं हम आपके पास वहाँ पर हाइपोगाइनस कंडीशन आ रही है, एपिगाइनस कंडीशन आ रही है या पैरी गाइनस कंडीशन है, ऑन डैट आपकी ओवरी जो है वो सुपीरियर है या इन्फीरियर। सुपीरियर होगी तो डाउन में एरो आएगा, इन्फीरियर होगी तो आपके अप में एरो आएगा, राइट। दिस साइन शोज द मेल, दिस शोज द फीमेल, एंड दिस शोज द बायसेक्सुअल फॉर्म। देन दिस शोज योर एक्टिनोमॉर्फिक, अगर प्लस का साइन है और सर्कल में है तो एक्टिनोमॉर्फिक, डैट मीन्स इट शोज योर रेडियल सिमेट्री। और अगर आपके पास जाइगोमॉर्फिक है, प्लस की जगह आप यहाँ पर जो है सिंपल प्लस ये परसेंटेज की तरफ अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट मीन्स ये शो कर रहा है आपका बाय लेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड योर बाय लेटरल सिमेट्री, राइट। तो ये कुछ सिंबल्स जो हैं हमें पहले याद रखने हैं ताकि हम आगे जो है इस चीज़ को पर्टिकुलरली पढ़ सकें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरीके से है, राइट। अब सबसे पहले अगर हम डायग्राम से पहले मैं फ्लोरल फॉर्मूला आपको सिखा दूँ और आपकी एग्जांपल्स का निमोनिक सिखा देती हूँ। सबसे पहली फैमिली है हमारी फैबिएसी, राइट, फैब। सबसे पहली फैमिली हमारे पास कौन सी है, हमारी फैबिएसी फैमिली है। और फैबिएसी फैमिली की अगर हम बात करें तो फैबिएसी जो है पहले पैपलिनोसी फैमिली के नाम से भी जानी जाती थी। लेगमेसी अगर आप देखोगे तो फैमिली जो है पहले आपकी पैपलिनेडी में आती थी आपके पास, और जो जिसकी सब फैमिली लेगमिनेसी थी। तो आपके लेग्यूम्स पल्सेस जो हैं वो इसमें आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने बोली आपकी फैबिएसी। फैबिएसी में एक तरफ मैं आपको एग्जांपल्स लिख देती हूँ उसका निमोनिक, और एक तरफ हम जो है रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूले की। सेकेंड इज योर सोलनेसी, पोटैटो फैमिली से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, एंड लास्टली योर लिलिएसी।
दैट इज अ मोनोकॉट, और इसकी एग्जांपल्स हम यहाँ पर से जाएंगे। निमोनिक, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो याद रखनी है चीज़, सबसे पहली चीज़ आपका फेबेसी जो है ये जाइगोमॉर्फिक है और बाकी के दोनों जो हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक है। ये दोनों जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, राइट। पहली चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गई यहाँ पर, फर्स्ट थिंग इज़ क्या, आपकी फेबेसी जो है इट शोज़ यू आर जाइगोमॉर्फिक और बाकी जो है वो आपको शो करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है हमें जो रिप्रेजेंट करनी होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर कि आपके पास जो आपका फ्लोर है वो बायसेक्सुअल है या मोनोसेक्सुअल है, मतलब कहने का आपके पास यूनिसेक्सुअल है या फिर बायसेक्सुअल, मेल फेल और फीमेल फ्लोर अलग है या एक ही है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो शो करते हैं बायसेक्सुअलिटी। सिमिलर चीज़ है, जो अलग होगी वो आपको याद रखनी है, फेबेसी में आपकी अलग है, फेबेसी जाइगोमॉर्फिक शो कर रही है आपके पास, राइट। देन उसके बाद के से कैलिक्स, सी से करोला, ए से एंडोशियम, जी से गाइनोशियम, बस यही चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है आपको यहाँ पर। अब कैलिक्स की अगर हम बात करें, फेबेसी फैमिली में अगर हम कैलिक्स की बात करें तो हमारे पास पांच सैंपल होते हैं यहाँ पर, कितने, पांच। राइट, लिलिएसी में डायरेक्टली हम याद करेंगे, लिलिएसी में हमारे पास पेरियांथ कंडीशन होती है, डैट मीन्स आपका कैलिक्स करोला इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सैपल की बात की, तो हमारे पास सैपल कितने हैं, पांच सैपल हैं, और वो भी कैसे हैं, फ्यूज गैमोसेपल्स, तो ब्रैकेट डाल देंगे हम इसमें, राइट। सिमिलरली सेकेंड वाले में आप जाओ, सेकेंड वाले में भी जो आपका कैलिक्स है वो भी कितने हैं, पाँच, और वो भी कैसा है, आपका गैमोसेपल्स कंडीशन है, राइट। फिर करोला की अगर हम बात करें तो करोला जो है आपके पास पांच पेटल्स हैं आपके, कितने, पांच पेटल्स हैं आपके फेबेसी में, और वो पांच रिप्रेजेंट किस तरीके से होते हैं, 1 2 2, डैट मींस एक आपका जो है पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है, दो लेटरल विंग्स होते हैं, दो एंटीरियर होते हैं आपके पास, जो आपके कैसे रहते हैं, इनक्लोज्ड फॉर्म में रहते हैं आपके, जिनको आप कील बोलते हैं, राइट। क्योंकि वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो है वो शो करता है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन की अगर आप बात करोगे तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन आपके पास क्या होती है, कि दो बिल्कुल बाहर, फिर दो उसके अंदर, दो उसके अंदर, तो वेक्सिलरी जो है एस्टिवेशन शो करता है। तो नंबर पाँच है आपका करोला, लेकिन 1 + 2 + 2, तो 1 इज़ फॉर योर स्टैंडर्ड, 2 इज़ फॉर योर लेटरल विंग्स, एंड 2 जो आपके इंटीरियर हैं क्योंकि वो इंक्लोज्ड है, दैट इंक्लोजिंग योर स्टेमन एंड पिस्टल, इसलिए इसके बाहर जो है वो क्या आ गई, ब्रैकेट। नेक्स्ट वन में देखो, नेक्स्ट वन का जो आपका करोला है वो भी आपके पास कैसा है, 5, और वो भी कैसी कंडीशन है आपकी, यहाँ पर गैमो पैटलस कंडीशन है, राइट। ये दो हो गया आपके यहाँ पर। पेरियांथ की अगर आप बात करो तो पेरियांथ जो है आपके पास वो 3+3 की अरेंजमेंट में रहती है, जिसको आप क्या बोलते हो, टेपल्स बोलते हो, राइट। तो वो एक ट्यूब बनाती है, वेलवेट फॉर्म बनाती है, दोनों इक्वलेट बनाकर, तो 3+3 का अरेंजमेंट आपके पास पेरियांथ में रहता है। क्लियर बात यहाँ तक। देन अब यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है एंड्रोशियम पार्ट। एंड्रोशियम जो है हमारा यहाँ पर, यहाँ एंड्रोशियम हमारा जिस अरेंजमेंट में रहता है वो हमारा 10 एंड्रोशियम्स रहते हैं, लेकिन उसमें अरेंजमेंट आपका जो रहता है एंड्रोशियम का, वो रहता है 9+1 के फॉर्म में, राइट। डायलडॉर्फस कंडीशन होती है आपके पास, एंथर डायथीकस रहता है आपके पास, लेकिन अरेंजमेंट जो है डैट इज़ 9+1। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट आपके एंड्रोशियम की अगर आप बात करो तो नेक्स्ट में आपके 5, और नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट में आपका फिर अरेंजमेंट रहता है 3+3 का, राइट। गाइनोशियम की बात करो तो सिंपल नंबर लिख दोगे 1 2 3,
और तीनों में अगर देखोगे तो सुपीरियर होगी आपकी तीनों की तीनों। नंबर डायरेक्ट लिख दोगे क्योंकि यूनिलोक्यूलर है, बाइलोक्यूलर है और ट्राइलोक्यूलर है, तो डायरेक्ट लिख दोगे आप यहाँ गायनोशियम के नीचे 1, 2, 3 और आपकी डायरेक्टली आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपके पास फ्यूजन जो है वो किस किस की किस के साथ रहती है, ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला। अब जो फ्यूजन आपके पास यहाँ पर रहती है आपका करोला, राइट। आपके हमने करोला में बोले 5 आपके पेटल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और आपका एंडोशियम जो है वो आपका एपीपेटलस कंडीशन में होता है। डैट मीन्स आपका एपीपेटलस कंडीशन क्या हुई आपके पास, जब आपके स्टेमन की बात कर रहे हो तो आपका स्टेमन जो है वो आपके पेटल्स के साथ फ्यूज है अगर आपका, तब आप उसको बोलोगे क्या, एपीपेटलस कंडीशन। सिमिलरली आपका पेरियांथ जो है यहाँ पर वो भी आपका जो है एंडोशियम के साथ कंडीशन में रहता है। तो ये इस तरीके से आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गई फेबिएसी, सोलनेसी और लिलिएसी के बारे में, राइट। अब करते हैं हम लोग इसकी ट्रिक्स याद, इसकी एग्जांपल्स को लर्न करने के लिए। तो एग्जांपल को लर्न करने के लिए सबसे पहले एग्जांपल जो है हमारे पास वो है हमारी किसकी, वो एग्जांपल है हमारी फेबिएसी की। तो फेबिएसी की एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से याद रखेंगे कि जैसे ही हम कोई भी सब्ज़ी घर पर बनाते हैं, गैस पर रख देते हैं, राइट, उस पर सीटी लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सीटी लगाई है तो सीटी करेगी सीसी की आवाज़। तो वैसे हम याद कर लेते हैं यहाँ पर गैस में आप यहाँ पे क्या कर दो, गैस पे आप क्या कर दो, सब्ज़ी या रख दो या दाल रख दो, ठीक है। तो सब्ज़ी में हमने क्या किया, गैस के ऊपर हमने मूंग की दाल डाल दी और एक तरफ हमने जो है वो साथ में क्या डाल दी, सोयाबीन डाल दी, राइट। तो सब्ज़ी, मूंग और सोयाबीन, गैस पे हमने मूंग और सोयाबीन चढ़ा दी हुई है। और जैसे ही सब्ज़ी से क्या होगा, अब आपने सब्ज़ी चढ़ा दी तो अब अंदर क्या होगा, गरम सीटी, सीटी जो है वो क्या हो जाएगी, सीसी करेगी, ठीक है। तो गैस में या गैस पे कर लेते हैं, गैस पे मूंग और सोयाबीन की जैसे ही आपने जो है मूंग और सोयाबीन की सब्ज़ी आपने चढ़ाई, तो जैसे ही वो गर्म हुई तो वो क्या करने लगी, वो आपकी सीटी जो है सीटी सीसी मारने लगी, राइट। अब सीटी सीसी मारने से भी एग्जांपल कैसे याद करनी है हम लोगों को, गैस की अगर आप बात करूँ उसको नीचे लिख देती हूँ, गैस पे हमने क्या डाल दी, मूंग सोया बीन। तो यहाँ से पहले याद कर लेते हैं, गैस से आपको याद रखना है गरम, गरम नहीं यहाँ पे अब ग्राम, ठीक है, अरहर, अरहर की दाल होती है, ग्राम मतलब चने, तो हमने सब दालें मिक्स कर दी हुई है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, चने अरहर की दाल भी डाल दी, ठीक है, सेम मूंग सोयाबीन डाली, सारी सब्जियां डाल दी आपने। अब इससे हमने क्या किया, जो भी आप सब्ज़ी बना रहे थे इससे आपने जैसे ही आपकी सब्ज़ी गर्म होनी स्टार्ट हो गई, तो डैट मीन्स आपकी ग्राउंड नट ये भी डाल दो बीच में, तो वो क्या करने लगी आपकी सीटी, सीटी से आपको याद रखना है सन हेम आपका इंडिगो फिरा आपका ट्राइफोलियम, राइट, आपका ट्राइफोलियम, देन आपका ल्यूपिन सीसी मतलब आपका स्वीट पी, देन सीसी एक और सी
सीसी मतलब सिसबेनिया मारे, मारे से आपका आ गया मुलेठी, राइट, इससे आ गया आपको क्या मुलेठी। तो आपकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में अगर आप देखोगे तो जितनी भी आपकी दालें हैं, दालों में आपको दालें आपने डाल दी, जो जो गैस पे चढ़ाई थी आपने दालें, वो कौन कौन सी दालें चढ़ा दी आपने, चने डाल दिए, ग्राम अरहर डाल दी, सेम डाल दी, मूंग डाल दी, सोयाबीन डाल दी, ये आपकी पॉलिसीज में आ जाएंगे। फिर आपका एडिबल ऑयल सोयाबीन और ग्राउंडनट का ऑयल था, ठीक है। कलर के लिए इंडिगो फिरा डाल दिया, ठीक। फाइबर में आपका सनहैम्प आता है, फॉडर में आपका ट्राइफोलियम और सस्पेनिया आता है, ऑर्नामेंटल में आपका ल्यूपिन स्वीट पी आता है, और मेडिसिन में आपकी मुलट्ठी आ जाती है, राइट। एक निमोनिक आपका इसके लिए ये है। उसके अलावा जो आपका निमोनिक आप इसके लिए एक और याद रख सकते हो, लेकिन कुछ वर्ड उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप याद करने के लिए रख सकते हो उनको। दोनों में निमोनिक्स और हैं हमारे पास। वो निमोनिक्स क्या हैं हमारे पास कि पढ़ पढ़ के अल्फा बीटा गामा के छाले पड़ चुके हैं, तो हम एक गाना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गा रहे हैं कि गिव मी सम सन शाइन एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, बिकॉज आई ट्राई फॉर इट। तो थ्री इडियट्स का सॉन्ग है, ये आपको मालूम है, थ्री इडियट्स का सॉन्ग है कि यू मस्ट ट्राई। तो आई ट्राई, क्या ट्राई किया, थ्री इडियट्स का सॉन्ग कौन सा वाला, गिव मी सम सनशाइन, और हमने साथ में लगा दिया इंटेलिजेंस। तो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हो किस तरीके से, थ्री इडियट्स हैं यहाँ पे, तीन, तीन मतलब ट्राई, ट्राई फोलियम, आई मतलब इंडिगो फिरा, राइट, ट्राई फोलियम, तीन ट्राई फोलियम इंडिगो फिरा। देन जी से आप याद रख सकते हो आपका ग्राउंड नट मुंडेठी, ठीक है। देन आपका सिसबेनिया, सन से डायरेक्ट याद रखोगे सन हैम, फिर आपका स्वीट पी, आपका स्वीट पी, और साथ ही साथ आपका क्या आ जाएगा सेम, ठीक। और साथ में देखो मुलट्ठी, यहाँ पर हमने मुलट्ठी पढ़ी, तो मूंग आपकी यहाँ आ जाएगी, राइट। ऐसे आपका जो बच गया आपकी सोयाबीन इधर आ जाएगी, क्लियर। देन आपके पास बचा गया आपका आपकी इंडिगो फिरा, तो आपकी इंडिगो फिरा वहाँ या यहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। अब इसमें से बचा हमारा जी, तो आप यहीं पर इसको इंक्लूड कर सकते हो आपका ग्राम, ठीक है, गिव मी सम सनशाइन एंड ए मतलब अरहर, तो हमने इंक्लूड कर दिया यहाँ पर, ये भी सोयाबीन भी इंक्लूड कर दिया हमने, हम लोगों ने यहाँ पे ग्राउंडनट भी इंक्लूड कर दिया, इंडिगो फिरा भी इंक्लूड कर दिया, सिसबेनिया भी इंक्लूड कर दिया, बचा आपका सिर्फ ल्यूपिन बचा है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस में ल्यूपिन डाल सकते हो। तो ये एक और निमोनिक है आपका, इसको याद रखने के लिए आपको जो बेस्ट लगे आप उस निमोनिक से याद रख सकते हो। निमोनिक्स को एटलीस्ट 3 times आप रिपीट करो ताकि आपको याद रहे, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ निमोनिक याद रहे, आपको उसके अंदर क्या है वो भी आपको याद रहना चाहिए। सो गिव मी सम सनशाइन एंड इंटेलिजेंस, बिकॉज दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम थ्री इडियट्स एंड वी मस्ट ट्राई फॉर दैट, राइट। तो ये आपके पास एक निमोनिक आ जाता है इस चीज़ के लिए। देन आपके पास नेक्स्ट निमोनिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपकी सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बेला को हमने बोला बेला घोड़ा लेके जाओ, अश्व ले जाओ, अश्व पे तुम क्या ले आना, तबैको ले आना, ठीक है, और क्या ले आना साथ में, और सब्जी ले आना, सब्जी के साथ साथ मिर्ची लाना मत भूलना, सब्जी और चिल्ली जो है वो भी साथ ले आना। अब
सब्जी में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, बेला से अगर आप याद रखोगे डैट इज़ योर बेला डोना, अश्व से अश्वगंधा, अश्वगंधा पिटूनिया, टबैको का टबैको याद रखना है, चिली से चिली याद रखना। अब इस सब्ज़ी में हम क्या डालना चाहते हैं, हम लोग जो हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हमने बेला को भेजा था बाज़ार, बोला अश्व ले जा घोड़े पे जा भाई, तंबाकू भी ले आना, दादाजी को तंबाकू की ज़रूरत है तो तंबाकू भी ले आना, और साथ में आलू बैंगन बनाना है तो उसमें टमाटर डालें, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए मिर्ची और टमाटर साथ ले आते आना, आलू बैंगन व्यंजन राइट और टमाटर लेते आना और साथ साथ मिर्ची भी लेते आना। तो ये आपकी आ गई सोलानेसी फैमिली, मोस्टली आप सोलानेसी को पोटैटो फैमिली से ही जानते हो। तो ये आ गया इसका निमोनिक, आसान है, रिपीट कर लो एक बार फिर से। हमने क्या स्टोरी बनाई है, बेला को हमने क्या भेजा, घोड़े पे भेजा, दादाजी के लिए तंबाकू ले आना और घर के लिए क्या ले आना, सब्ज़ी ले आना। सब्ज़ी हम कौन सी बनाना चाहते हैं, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी उसमें क्या पड़ेगी, मिर्ची, जैसे मम्मी आपको बोलती है कि मिर्ची दो चार साथ में डाल के ले आना, तो मिर्ची भी साथ ले आना और टमाटर भी साथ ले आना राइट। देन एग्जांपल हम याद करते हैं लिलिएसी फैमिली की, लिलिएसी फैमिली की अगर एग्जांपल देखो लिलिएसी फैमिली की एग्जांपल क्या है आपकी, हमने क्या किया, कोट पे लिली का फ्लावर लगा दिया, तो लिली का फ्लावर लगाते ही कोट पर क्या हुए, पर्सनैलिटी बदल गई। तो हमने बोला भाई तुम लिली का जो है, लिली का फ्लावर जो है अपने कोट पे लगाओ तो तुम आग लगा दोगे, तो आग लगाने से यहाँ पे लिली से आपका लिलिएसी आ जाएगा, कोट की अगर बात करो सी से आपका आ जाएगा पॉलिसी, ठीक है, ओ से आपके पास आ जाएगा आपका ए टी ए जी जी। तो सबसे पहले हमने क्या याद किया यहाँ पर एग्जांपल में, हमने एग्जांपल में याद किया यहाँ पर सबसे पहले आपका कोल्सिचिन जो आपके माइटोटिक्स मिनरल फाइबर्स को रोकने के लिए भी काम आता है। देन आपके पास ओ से अगर आप बात करो यहाँ पर, तो आपके प्लांट्स में जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं आपके राइट, तो आप इसमें अनियन रख सकते हैं, एलियम सेपा। ए से बात करो तो ए से आपका एलोई, एलोवेरा जिसको आप बोलते हो, ठीक है, टी से आपका ट्यूलिप, ए से आपका एस्पैरागस। अब बचे आपके दो जी बचे यहाँ पे, एक जी से आपका गार्लिक और एक जी से आपका ग्लोरी, ग्लोरियोसा, ठीक है। तो लिली का फ्लावर जैसे आपने कोट पे लगाया तो आपका एकदम से एलोवेरा जैसा जो है आपके फेस पे ग्लो आ गया। तो लिली लिलिएसी फैमिली, ठीक है, कोल्सिचिन, अनियन, एलोवेरा, ठीक है, एलोई, ट्यूलिप, एस्पैरागस, गार्लिक और ग्लोरियोसा, ये आ जाती हैं आपकी लिलिएसी की एग्जांपल। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं यहाँ पर, ये एक मोनोकॉट है, आपको एग्जांपल्स और आपको इसका फ्लोरल फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें आना डेफिनेटली है राइट। देन आप बाकी वीडियोस में देख सकते हो फाइलोटेक्सी की, आप एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल्स देख सकते हो जैसे धतूरा, मस्टर्ड, चिली। जाइगोमॉर्फिक की अगर आप देखो तो पीसीबीजी डैट इज योर पी, बीन्स, केस्टा, गुलमोहर की एग्जांपल है। आपके एक और वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपकी सुपीरियर ओवरी के बारे में, अगर आपकी ओवरी ऊपर है आपके पास राइट और फ्लोर पार्ट नीचे से है, हाइपोगाइनस कंडीशन हो जाती है, आपकी गाइनस कंडीशन की एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उन वीडियोस में। अब हम इन जनरल कंपैरिजन आपकी डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं,
एक आपकी बुक में ब्रैसिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला भी मेंशन है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो यहाँ पर भी आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, ये भी आपके पास कैसा आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो एक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्सुअल, आपके सेपल्स जो हैं दो उसमें प्रेजेंट है यहाँ पर 2+2 के अरेंजमेंट में, करोला में 4, डैट मीन्स आपके पास टेट्राडाइनमस कंडीशन है यहाँ पर। एंड्रोशियम 2+4 के अरेंजमेंट में रहता है, और गाइनोशियम आपका आपका कैसा है, एक तो फ्यूज्ड है आपके पास यहाँ पर, और दूसरी चीज़ जो है वो सुपीरियर ओवरी है यहाँ पर भी आपकी, राइट। तो ये आया आपका इन जनरल। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम डायग्राम्स पे फोकस करें, तो ये तीन आपकी डायग्राम है आपको याद रखनी है, जो दिस इज़ ऑफ योर लिलिएसी, सोलिनेसी, और ये आपकी फेबिएसी की डायग्राम है, राइट। अब इसी के अरेंजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें इनमें, तो कंपैरिजनली तीनों की जो स्टेम है हमारे पास उनमें क्या फ़र्क है, देखो यहाँ पे हर्ब श्रब्स ट्रीज है, रूट है, रूट नोड्यूल्स हैं, यहाँ पे हर्ब श्रब और छोटे पेड़ हैं, यहाँ पे पेरिनियल हर्ब्स हैं, जैसे आपका अंडरग्राउंड ट्राइजोम बल्ब है आपके पास, या अंडरग्राउंड आपके पास जो है कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं, ये इरेक्ट और या फिर क्या होते हैं मोस्टली क्लाइंबर्स होते हैं आपके पास, फेबिएसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, राइट। ये आपके पास इरेक्ट है, ठीक है, हॉलो भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास पटैटो जो है अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है, राइट। लीव्स में तीनों जो है तीनों के तीनों जो है वो अल्टरनेट फॉर्म जो है आपकी फाइलोटैक्सी शो करते हैं, इसमें पिनिएट लीव्स हो सकते हैं सिंपल या कंपाउंड, इसमें सिंपल लीव्स होते हैं, बहुत कम दिखता है आपको पिनिएटेड कंपाउंड लीव्स, इसमें आपको लीनिया दिखता है, इसमें आपका बेस पे जो लीफ होता है वो थोड़ा सा स्वेल्ड होता है जिसको आप पल्मिनेट बोलते हो, स्टिपुलेट होता है, बाकी दोनों में एक्सटिपुलेट कंडीशन होती है, राइट, कोई भी स्टिपुल प्रेजेंट नहीं होता। देन वेनिएशन की अगर आप बात करो, फेबिएसी और आपकी फेबिएसी और सोलेनेसी में रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, और लिलिएसी क्योंकि मोनोकॉट है तो पैलल वेनिएशन होगी। इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करोगे तो इसमें रेसमोस है और बाकी दोनों में साइमोस है, और इसमें सॉलिटरी, इसमें भी सॉलिटरी है, एक्सिलरी है, लेकिन इसमें आपके पास कुछ जो है आपके जैसे आपने पोटैटो वगैरह की बात की तो वो आपके पास जो है वो साइमोस जो है वो इन्फ्लोरेसेंस क्या करते हैं, शो करते हैं आपके पास, राइट। फ्लावर हमने तीनों में देखे बायसेक्सुअल है, फर्स्ट वाले में ज़िगोमॉर्फिक है, और बाकी सब में जो है आपके क्या है आपकी एक्टिनोमॉर्फिक। कैलिक्स की बात की हमने, 5 सेपल हैं, यहाँ पे आपके टेपल हैं 6, 3+3 का अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमने बोला था गैमो सेपलेस कंडीशन है आपकी, यहाँ पे भी आपके सेपल्स हैं, परसिस्ट थ्रू आउट है, तीनों में जो आपकी जो है एस्टिवेशन देखोगे तो तीनों में वेलवेट है, कैलिक्स इसमें कभी कभार इम्ब्रिकेट टाइप का भी दिखता है, इम्ब्रिकेट टाइप में अगर आप बात करो तो इम्ब्रिकेट टाइप आपके पास कौन सी होती है, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, एक अंदर एक बाहर, दूसरे के दोनों के बाहर इस तरीके से, राइट। तो एक आपका पूरा का पूरा जो है बाहर होता है, और बाकी वाले अगर देखोगे तो अंदर और बाहर का अरेंजमेंट रहता है आपका एम्ब्रिकेट में, राइट। देन आप बात करो यहाँ पर अगर आपके करोला की, तो करोला हमने ऑलरेडी बोला यहाँ पर आपके पास, यहाँ तो आपके पास कंडीशन ही क्या है, यहाँ पे पेरियांथ कंडीशन है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा आपके पास, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 पेटल है, वो भी कैसे हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन में है, फेबिएसी में फ्री है मतलब, और हमने बोला वहाँ पे आपके पास 1+2+2 का अरेंजमेंट रहता है, राइट। वेक्सिलरी मतलब आपके बाहर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर एस्टिवेशन रहती है, इसमें आपके 5 पेटल है, यूनाइटेड रहते हैं, वेलवेट में रहते हैं, और इसमें पेरियांथ टेपल्स 3+3 के अरेंजमेंट में रहते हैं। एंड्रोशियम यहाँ पे आपका 10 होते हैं, डायडल्फस कंडीशन होती है आपके पास, एंथर आपका डाई थिकस होता है, 9+1 के अरेंजमेंट में जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, राइट। जब आपके दो बंडल्स होते हैं आपके पास प्रेजेंट, दो बंडल्स में, तो आप उसको डायडल्फस कंडीशन बोलते हो, राइट। और दो थीका लेयर्स अगर होंगे आपके पास, दो थीका हैं आपके पास, तो आप उसको डाइथिकस बोलते हो। यहाँ पे आपके पास 5 स्टेमन है, लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी है आपकी, आपकी पेटल्स मतलब आपका स्टेमन जो है वो आपके पेटल्स के साथ क्या है, फ्यूज है, जैसे कि आपके ब्रिंजल के केस में भी आपको देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन दिखती है वो आपको एपी
एपीफाइलस कंडीशन देखने को मिलती है। और एपीफाइलस क्या होता है, जब आपका स्टेमन जो है वो पेरियांथ के साथ अटैच होता है, ठीक है, एपीफाइलस कंडीशन। तो लिली के फ्लावर में आपको ऐसे दिखती है एपीफाइलस कंडीशन। गायनोशियम की बात करो तो तीनों में सुपीरियर ओवरी है, तो मैंने पहले बोला मोनो बायो और ट्राई, 1 2 3 यूनिलोक्यूलर बायलोक्यूलर ट्राइलोक्यूलर, राइट। ये दोनों जो हैं आपके ओवरीज जो हैं ये कैसी हैं, फ्यूज फॉर्म में हैं आपकी, आपके कार्पल फ्यूज हैं यहाँ पर, यहाँ पर तो सिंगल ही कार्पल है आपका। उसके बाद ओव्यूल सब में जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, सिंगल स्टाइल रहता है इसमें, और प्रेजेंटेशन इसमें स्वोलन रहती है और बहुत सारे ओव्यूल्स रहते हैं, और इसमें आपकी एग्जाइल जो है प्रेजेंटेशन शो करता है। फ्रूट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपके लेग्यूम्स बने होते हैं, दालें हैं, सीड बने होते हैं, एंडोस्पर्मिक हैं तीनों के तीनों आपके, लेकिन यहाँ पर बैरी और कैप्सूल है, और यहाँ पर क्या फिर कैप्सूल मेनली है, बैरी कभी कभार देखने को मिलती है। फ्लोरल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। एग्जांपल में देखो, फूड में आपका टमाटो ब्रिंजल पोटैटो स्पाइस में चिली, मेडिसिन में बैलाडोना अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में आपका टबैको आ गया, और ऑर्नामेंटल में पिटूनिया आ गया आपका, राइट। सिमिलरली आपके पास जो है यहाँ पर तीसरी एग्जांपल में आपका वेजिटेबल में एस्पर्गेलस आ जाएगा, ठीक है। देन आपका जो कॉल्सिचिन में है आप माइटोटिक उसमें आप यूज़ करते हो, मैंने भी बोला आपसे। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात करो, यहाँ एस्पर्गेलस एलोवेरा ये आपके आ जाते हैं एक अच्छे से, राइट। लास्टली ब्रेसिकेसा की ब्रेसिकेसी फैमिली को थोड़ा सा आप देख लेंगे, और ये आपकी एग्जांपल्स आप एक बार अच्छे से ध्यान में रखो, और ये आपको जो है आसानी से जो है वो आपको याद होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ आपने ये आपको याद होगी, तो ये आपको जो है इस तरीके से आपकी पूरी फैमिली जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, और आई होप आप लोगों को ये फैमिली की शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको याद रह गई होगी। आप फिर ट्रिक में एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। आपने क्या बोला, यू हैव टू ट्राई, अपना फोकस में रखो कि यू विल एंड यू कैन, ओनली यू कैन डू दैट थिंग्स, राइट। तो थ्री इडियट्स याद रखोगे तीन, और आप उसमें ट्राई करोगे तो इंडिगो फिर आपका डाई है, ट्राइफोलियम आ जाएगा, गिव मी सम सनशाइन एंड इंटेलिजेंस, राइट। तो गिव मी सम सनशाइन में तो ग्राउंडनट और ग्राम आ जाएगा, मूंग और मिलेठी आ जाएगी आपकी, सिसबेनिया सोयाबीन, सन हैम्प आ जाएगा, सेम आ जाएगा, स्वीट पी आ जाएगा, अरहर की दाल और लूपिन आ जाएगा। लिलियसी में लिली का कोट आपने पहनकर आग लग जाएगी, ठीक है। एलोवेरा जैसा फेस पे ग्लो आ जाएगा, तो वहाँ से आपको याद रखना है कोल्सिसिन, ठीक है, कोल्सिसिन, अनियन, एलो, ट्यूलिप, एस्पार्गस, गार्लिक और ग्लोरियोसा। देन आपने बेला को भेज दिया अश्व लेकर, अश्व पे जाओ भाई, तंबाकू और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है तो टमाटर और मिर्च साथ लेते आना। तो ये सिंपल ट्रिक है आपके पास, यहाँ से आपको परसेंटेज और ये आपको याद रखनी है कि डिफरेंस कहाँ है, मेनली आपको यही याद रखोगे। फैबिएसी सोलेनेसी इसी ऑर्डर में लिखी है, तो 1 2 3 सुपीरियर ओवरीज हैं आपके पास। पेरियांथ आपकी सिर्फ लिलियसी का फीचर है, ये सबसे अलग है। साइगोमॉर्फिक कंडीशन आपकी सिर्फ फैबिएसी में दिख रही है, बाकी तीनों के तीनों बाइसेक्सुअल हैं। कैलिक्स दोनों के सेम हैं, आपके करोला की अरेंजमेंट 1+2+2 है, 9+1 एंडोशियम है, यहाँ पर आपके पास फ्यूज फॉर्म है, यहाँ पर भी आपके पास फ्यूज फॉर्म है 3+3, यहाँ पर 3+3 टेपल्स हैं, यहाँ पर आपके करोला भी जो है आपका फ्यूज है, और एंडोशियम जो है वो यहाँ पर जो है क्या है, फ्री है। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी कि फैमिलीज कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको लास्ट टाइम पर अच्छे से रिवाइज करके जाओ, राइट। और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको इस चैप्टर के पार्ट में से कौन सी चीज़ और डिफ़िकल्ट लगती है, जिसके बेसिस पे हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच।